क्या आप जानते हैं जो ऑयल यानी तेल आप खाने में यूज़ कर रहे हैं वो कितना हानिकारक है? उसी से आजकल हर घर में बीमारियां हो रही है। तो इस वीडियो में हम आज तेल और घी इनकी बातें करने वाले हैं। जो तेल और घी हम यूज़ कर रहे हैं वो कितना नुकसान कर रहा है और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ये सब आज हम जानेंगे। भारत में ज़्यादातर घरों में करीबन 90% से भी ज़्यादा घरों में जो तेल यूज़ होता है वो होता है रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल का मतलब है जो शुद्ध तेल है, प्योर ऑयल है, उसको केमिकल प्रोसेस के द्वारा उसके टेक्सचर और रंग और उसकी क्वालिटी को बदलना। इसी रिफाइंड ऑयल को खाने में यूज़ करने से हार्ट ब्लॉकेजेस, डायबिटीज़ और कैंसर तक की बीमारी हो सकती है। पहले ये बीमारियां भारत में बहुत कम लोगों को होती थी, लेकिन आजकल हर घर में कोई ना कोई इन बीमारियों से या किसी ना किसी तरीके की बीमारी से परेशान है। पहले जो तेल यूज़ होता था वो शुद्ध तेल था, यानी कि घानी का कोल्ड प्रेस ऑयल होता था। चाहे वो ग्राउंडनट ऑयल ले लीजिए या फिर कोकोनट ऑयल या फिर सरसों का तेल, उसमें सभी न्यूट्रिएंट्स बरकरार रहते थे। लेकिन अब जो तेल हम यूज़ कर रहे हैं, जो कंपनीज के द्वारा हम रिफाइंड ऑयल खरीदते हैं, वो तेल नहीं एक तरीके का जहर बन गया है। रिफाइंड ऑयल खाने से बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और इसी से कई बीमारियों का जन्म होता है। आइए पहले जानते हैं रिफाइंड ऑयल बनता कैसे है। ऑयल को हाई टेम्परेचर पे केमिकल्स की मदद से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इतने हाई टेम्परेचर पे सारे न्यूट्रिएंट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ऑयल के अंदर के जो हेल्दी फैटी एसिड्स होते हैं वो तक ब्रेक डाउन होकर ट्रांस फैट बन जाते हैं। फिर इसी ऑयल को दोबारा हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं ताकि ऑयल का टेस्ट को न्यूट्रल कर सके और उसके अंदर के कलर को हटा सके। इसी वजह से रिफाइंड ऑयल्स का कलर लगभग पानी जैसा होता है। ऑयल के एक्सट्रैक्शन के वक्त ये बड़ी कंपनीज हेक्सेन को यूज़ करती है। हेक्सेन हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक है। ये एक तरीके का न्यूरोटॉक्सिन है हमारी बॉडी के लिए। फिर इसी तेल को लास्ट में प्रिजर्वेटिव्स डाला जाता है और एंटी फोमिंग एजेंट्स डाला जाता है, जिससे कि खाना बनाते वक्त तेल में कोई झाग ना आ सके और इन्हीं तेलों का स्मोकिंग पॉइंट को बढ़ा सके ताकि खाना बनाते वक्त उसमें से स्मोक ना निकले। लेकिन दोस्तों, जो शुद्ध तेल होता है उसमें खाना बनाते वक्त हमेशा एक तरीके का उसमें से स्मोक निकलेगा और हल्का हल्का झाग भी बनेगा। जो शुद्ध तेल होता है उसमें जो चिपचिपाहट होती है, जो गाढ़ापन होता है, उसी में ही तो उसके सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। लेकिन जब इसी शुद्ध तेल को रिफाइंड किया जाता है तो उसके सारे न्यूट्रिएंट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, उसके अंदर की चिपचिपाहट पूरी निकाल दी जाती है और आखिर में क्या बचता है, तो एक कलरलेस, टेस्टलेस, न्यूट्रिशन लेस्ड एक तरीके का जहर। तो हमें ऐसे तेल को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए, यानी कि रिफाइंड ऑयल को यूज़ करना हमें बंद कर देना चाहिए। लेकिन अब इसका सब्स्टिट्यूट क्या है? हम रिफाइंड ऑयल अगर यूज़ नहीं करेंगे तो खाना बनाने के लिए क्या यूज़ करेंगे? तो ऑफ कोर्स हमें प्योर ऑयल यूज़ करना चाहिए, शुद्ध घानी का तेल यानी कि कोल्ड प्रेस ऑयल, जो बिना किसी हीट के बनाया जाता है। और ऐसा तेल आपको आसानी से अपने शहर में या अपने गांव में ज़रूर मिलेगा। आप अपने शहर में या गांव में कोई भी एक घानी की दुकान ढूंढिए जहां पर आपको शुद्ध ऑयल मिलेगा, या फिर आप अपने ही घर से तिल को या फिर सरसों को लेके जाइए, वहाँ पर घानी की मशीन में उस तिल और सरसों के द्वारा आपको तेल निकाल कर दिया जाएगा। ये शुद्ध तेल यूज़ करने से आप देखेंगे कि आपके अंदर का बैड कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे कम होने लगेगा। आपको अगर कोई भी बीमारियों की शिकायत होगी, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, वो तक आपकी धीरे धीरे ठीक होना ज़रूर शुरू हो जाएगा।
अगर आपको आपके शहर में घानी का तेल यानी कोल्ड प्रेस ऑयल ना मिले तो आप इसे ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। अब बात करते हैं घी की। घी हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है और उसमें होते हैं हेल्दी फैट्स जो हमारे अंदर गुड कोलेस्ट्रॉल यानी HDL लेवल को बढ़ाते हैं। पर ये तभी हो सकता है जब घी देसी गाय के दूध की मलाई से बना हो। देसी गाय को A2 कैटेगरी की गाय कहा जाता है और विदेशी ब्रीड की गाय को हम A1 कैटेगरी की गाय कहते हैं। इन दोनों ब्रीड के गायों के दूध में क्वालिटी में काफ़ी फर्क होता है और ये फर्क होता है प्रोटीन का। इस प्रोटीन को कहते हैं बीटा केसीन। हालांकि ये एक अलग ही टॉपिक है। आजकल गायों को घास या चारे के जगह ज़्यादा फैट वाला अनाज खिलाया जाता है ताकि दूध में अच्छी मलाई आ सके। ऐसे दूध को पीने से और दूध से बनी घी से हमें नुकसान होता है, इसलिए हमें हेल्दी रहने के लिए घी तो खाना चाहिए लेकिन देसी गाय के दूध का। और गाय भी ऐसी ही हो जिसको नियमित रूप से चारा या फिर घास खिलाई जाती हो। मार्केट में मिलने वाला घी प्योर बिल्कुल नहीं होता, इसलिए आप अपने शहर या गांव में ऐसी गौशाला में जाइए या ऐसा तबेला ढूंढिए जहां पर देसी गाय हो और उन गायों को घास खिलाई जा रही हो। ऐसे दूध से आप अपने घर में ही घी बड़ी आसानी से बना सकते हैं। हमने आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शुद्ध देसी गाय के घी को खरीदने के लिए कुछ लिंक्स दिए हुए हैं, आप ज़रूर इन लिंक्स को चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारी रिक्वेस्ट यही है कि आप शुद्ध चीज़ों को खरीदें, शुद्ध चीज़ों को ही उपयोग कीजिए। हमारे भारतीय संस्कृति में बहुत पहले से हम शुद्ध चीज़ें ही यूज़ कर रहे थे, लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनीज या विदेशी कंपनीज जो भारत में आई, उन्होंने हमारे इन्हीं शुद्ध चीज़ों को रिफाइंड के नाम पर हमें बेचना शुरू किया और एक तरीके से हमने जहर को खाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे हम इसी जहर के जंगल में फंसकर अलग अलग बीमारियों के शिकार बन चुके हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि हम शुद्ध चीज़ों का उपयोग करें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और हम सब अपनी हेल्थ की तरफ एक नया कदम उठाएंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।